ट्विस्टर सूट ऑन। ट्विस्टर सूट ऑन। चिंटू कहाँ है? चिंटू को बुलाओ, वही इसको ठीक कर सकता है। ये रोबोट तो बहुत ही शक्तिशाली है। वो तो तभी आता है जब वीर बुलाता है या फिर अपनी मर्जी से आता है, हमारे बुलाने से नहीं आएगा। चिंटू, चिंटू कहाँ हो तुम? वीर खतरे में है। तुम सही समय पे आ गए। वो देखो उस रोबोट को, बहुत खतरनाक है। तुम जाके उसकी अच्छी खातिरदारी करो। ओके। आप क्या खाना पीना पसंद करेंगे? इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, चाय, नाश्ता? चिंटू, खातिरदारी से मेरा ये मतलब नहीं था। उसने वीर को आसमान में फेंक दिया है, तुम उसे खत्म कर दो। ओ, ये बात है, सॉरी मैं गलत समझा। ये नया सुपर हीरो कौन है? हीरो कहाँ, वो तो मार खा रहा है। रोबो बॉय आ गया, रोबो बॉय आ गया, रोबो बॉय आ गया। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चार दुलाटी मार के ठीक करता हूँ। इसकी स्पीड बहुत तेज है, इसे बड़े ध्यान से देखना होगा। अल्ट्रा स्पीड विजन ऑन। अल्ट्रा स्पीड विजन ऑन। ये लड़ाई मेरे लिए खतरा साबित हो रही है। वेरी गुड वीर, तुम जीत गए। आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। तुम्हें कहा था हथियार ले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे पास एक से एक निंजा हथियार हैं, जो तुम्हारे काम आ सकते थे। ओके सर, मुझे वो हथियार दे दीजिए। मैं आज तक किसी से नहीं हारा, वीर से भी नहीं हारूंगा। वीर, तुमको तैयार रहना चाहिए, वो निंजा फिर से अटैक कर सकता है। ये हथियार साथ रखना। जी दादाजी, मैं कुछ हथियार साथ रख लूंगा।
वीर जरा जिंटू को बुला दो, मैं उसके साथ निंजा प्रैक्टिस करूंगा, शायद मुझे भी फाइटिंग की जरूरत पड़े। तक दिना दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बेन, तक दिना दिन दिन। जिंटू मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि नान चाकू कैसे चलाते हैं। क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं चलाते नान चाकू, लाओ मैं बताता हूँ, मैं भी निंजा एक्सपर्ट हूँ। वो वहाँ जाके ही पड़ेगी, तुम्हें समझाओ उसे। इमली क्या हुआ, घंटी से डर गई क्या? मैं जोश में आ गई थी, मैं घंटी से कराटे नहीं लड़ सकती, किसी ने ठीक ही कहा है, गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम सही थी, वो गलत था। अब सही गलत का फैसला तो कराटे फाइट से ही होगा ना, अब तो बचने का एक ही रास्ता है, मैं गांव जाके रहूं। कम ऑन इमली, तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम चाहो तो उसकी छुट्टी कर सकती हो। सच? कैसे जल्दी बताओ। मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, कराटे, कुंग फू, मार्शल आर्ट सब, और देखना तुम घंटी की घंटी कैसे बजा दोगी। क्या, मैं एक महीने में ये सब सीख सकती हूँ? ये काम तो इम्पॉसिबल लगता है। इमली दादाजी कहते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे उसे ही वीर कहते हैं। चलो कल से ट्रेनिंग शुरू। वीर वीर, हमें भी कराटे कुंग फू सब सीखना है। ओके, आ जाओ। याद रहे, कराटे सीखने के लिए बहुत सख्त डिसिप्लिन की जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन, अगर इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे तो तुम लोग जल्दी ये सब सीख जाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मुझ में कूट कूट के भरा है, बस डिसिप्लिन ही सीखना है। पहले अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपना स्टैमिना बढ़ाना है, इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग होगी, आ मेरे साथ। वीर उनको कराटे ट्रेनिंग दे रहा है, मैं भी चल के देखता हूँ कि वो क्या सिखा रहा है। दी, बस, और नहीं भाग सकती। वीर, थोड़ी गाजर मिल जाए तो मेरी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। वीर, बस बस, और कितना भगाओगे, हमें ओलंपिक की रेस में नहीं दौड़ना है, हमें कराटे फाइट सीखनी है। अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। काम तो तुम्हें करना होगा, वरना वो हैरी द हंटर नाराज हो जाएगा। वो नाराज हो गया तो वो बहुत तंग करता है। हैरी द हंटर बहुत खराब है, तुम उसकी मर्जी से काम नहीं करोगे तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। वीर, वीर कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो वीर। जिंटू, तुम्हें चुलबुल को सूट देने की क्या जरूरत थी? वो सूट पहन के सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। वो इतनी देर कहीं गायब नहीं रहता, जरूर कुछ गड़बड़ है। जिंटू, मुझे चुलबुल की चिंता हो रही है, मुझे उसके पास ले चलो। अभी लो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। Thank you.
इनके पास असली लायन नहीं है, ये लोगों को नकली लायन दिखाकर उल्लू बनाते हैं। चलो डांस करो, डांस शुरू करो। ये सब तुम्हें देख के तुम्हारे साथ डांस करेंगे। नहीं नहीं, मैं डांस नहीं करूंगा। वीर, मेरा वीर आएगा और मुझे बचा के लेके जाएगा। वीर का हो तुम, प्लीज। क्या तुम्हारा वीर हमें भी बचा ले जाएगा? लगता है हंटर चलाना ही पड़ेगा। हैरी का मंत्र, खूब चलाओ हंटर। मेरे दोस्त को छोड़ दो। वीर, वीर, मेरे दोस्त, सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। मेरे दोस्त, बचा लो मुझे। तुम कौन हो बच्चे? हंटर छोड़ो मेरा। हरगिज नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जानवरों पे जुल्म करते हो। चलो चल के चाट खाता हूँ। रुको! वीर, मेरे प्यारे वीर, I hope you don't mind अगर मैं तुम्हें छोटा कर दूं तो। वीर, ये दुनिया अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? इतनी बड़ी बड़ी घास। टिम्बकटू ने हमें श्रिंक कर दिया है, जल्दी से छुप जाओ कहीं, वो हमें पकड़ने आया है। बॉस, वीर को छोटा कर दिया। जल्दी से ले आओ उसे, जल्दी से ले आ। ढाकी चिका। मम्मी, वीर, अब क्या होगा? इमली, हिम्मत से काम लो, रोने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकते हैं। डांचो, 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 डांचो। चुलबुल शोर मत करो, सोचने दो क्या करना है। वाह वाह बेटा, इमली रोती है तो उसकी हिम्मत बढ़ाते हो, और मैं रोता हूँ तो कहते हो शोर मत करो। मेरे इमोशंस की तो किसी को कदर ही नहीं है यहाँ पर। ओ सॉरी, मुझे क्या पता था तुम जैसा वीर बहादुर रोएगा। मैं वीर हूँ, मैं बहादुर हूँ। थैंक यू वीर, थैंक यू। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। डैचू, डैचू, कोई बचाओ। आइडिया, चलो एक साथ नीचे कूद जाते हैं। इतनी ऊपर से कूदेंगे तो चोट लग जाएगी, मैं नहीं कूद सकती। इमली, हिम्मत से काम लो, वो देखो एक डॉगी आ रहा है, जब वो हमारे पास से गुजरेगा तो हम उसकी पीठ पे कूद जाएंगे और हमें चोट नहीं लगेगी। ओके, कम ऑन, जंप। देखा, हिम्मत की तो टिम्बकटू से बच गए ना, अब हमें किसी तरह घर पहुंचना है। ये डॉगी कितना अच्छा है। थैंक यू डॉगी, थैंक यू फॉर सेविंग अस। मुझे भी जादू सीखना है। बड़ा अजीब आदमी है, भूत से भी नहीं डरता। मैं एनाकोंडा बन के यहाँ से जाता हूँ, देखना कैसे भागेगा यहाँ से। बचाओ, बचाओ, एनाकोंडा, भूत।
ध्यान से सुनो तुम, मैं तुम्हारे स्कूल का भूत हूँ। तुमने स्कूल तोड़ा तो मैं तुम्हें पूरा निकल जाऊंगा। ओ, तुम भी भूत हो? तुम्हारा एक दोस्त कुछ देर पहले ही आया था, मैंने तो सचमुच का एनाकोंडा समझा। बेकार ही डर रहा था। डरोगे नहीं तो मेरे पेट में जाओगे। एक मिनट एनाकोंडा भूत जी, मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। जाओ ना प्लीज, मैं अपने बच्चों को बुलवा लेता हूँ, वो तुमको देख के बहुत खुश होंगे। अरे सुनती हो, चुन्नू मुन्नू बबली भैया को लेके जल्दी आ जाओ। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें डराने आया हूँ, फोटो सेशन के लिए नहीं आया। पहली बार जिंदगी में इतनी बेइज्जती हुई है, वो डरता ही नहीं है, मेरा जादू फेल हो गया। जिंटू तुम चिंता मत करो, हमें कोई और तरीका सोचना होगा, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। पहले ये पता लगाते हैं कि प्रिंसिपल सर मुझे पहचाने क्यों नहीं। हाँ ये बड़े ताजुब की बात है, तुमने स्कूल में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें ना पहचाने। लगता है वो बदल गए हैं। यस बदल गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई असली प्रिंसिपल ना हो, उसका कोई हमशक्ल हो। हाँ जरूर हो सकता है, दाल में कुछ काला है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। जिंटू मुझे प्रिंसिपल सर जैसा बना दो, मैं उस बिल्डर से बात करके असलियत पता करता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ओके जिंटू चलो बिल्डर के पास चलते हैं। उप्स जिंटू मेरी आवाज और मेरे कपड़े सब प्रिंसिपल जैसा करो। अब ठीक है, लेट्स गो। ओ घनश्याम दास, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे कहा था ना कि स्कूल की बिल्डिंग टूटने तक मुझसे नहीं मिलना। अभी स्कूल की छुट्टी करता हूँ, बेल बजाओ। बंटी तुम ये सब कैसे कर रहे हो? पता नहीं अचानक मेरे अंदर जादुई शक्ति आ गई है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वीर दिखाओ, आज तुम अपनी जितनी जादू की ताकत दिखा सकते हो, आज मैं तुमसे कम नहीं हूँ। हम इससे जादू की ताकत छीन नहीं सकते, कुछ दिमाग लगाना होगा। ओके एक तरीका है, सुनो। मैं दादाजी को सब समझा के तैयार करती हूँ और वहाँ लेकर जाती हूँ। वीर बहुत हो गई बातचीत, अब थोड़ा एक्शन और हो जाए। ड्रामा शुरू करो। ओके। इमली मैं महान जादूगर गोगा के पास अपनी शक्ति डबल करने काली पहाड़ी के पीछे जा रहा हूँ, तभी मैं बंटी को हरा सकता हूँ। वो सिर्फ एक दिन के लिए ही आए हैं और किसी को मना नहीं करते हैं। मैं तुम्हें महान जादूगर गोगा तक नहीं जाने दूंगा वीर। कहाँ गया? अगर उसने अपनी शक्ति डबल कर ली तो मुझे हरा देगा, मुझे भी जादूगर गोगा के पास जाना होगा। मेरी पीठ पे जो जेट पैक लगा है उसकी फ्लेम्स दिख तो नहीं रही? नहीं दिख रही दादाजी,
आप जेट पैक की मदद से ऐसे ही उड़ते रहिए। बंटी आ गया है, चलो वीर शुरू करो।